नमस्कार दोस्तों, प्रीतिस किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और खास रेसिपी, क्योंकि फ्रेंड्स नवरात्रि चल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि लोगों को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है बगैर लहसुन प्याज के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए बगैर लहसुन प्याज की जो है स्वादिष्ट थाली तैयार करूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आलू गोभी की सब्जी तैयार करूंगी, वो भी बगैर लहसुन प्याज के, जो आपको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो आइए पहले है ना मैं गोभी को जो है ना कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोभियों को जो कट कर लिया है, और इधर मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है ताकि जो मेरी गोभी है उसको मैं वॉश कर लूँ गर्म पानी में। गर्म पानी में वॉश करने से गोभी जो है ना अच्छे से साफ हो जाती है अंदर तक, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि है ना इसमें दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हैं, काफ़ी कीटनाशक जो इनमें लगती है, तो उससे क्या होता है हमारे पे ऊपर जो है दवाइयों का इफेक्ट भी नहीं होता। अब मैं जो है आलू भी छील लेती हूँ और सारी सब्जियां कट करके रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं अदरक को बारीक कट कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या है हम यहाँ पे जो है ना हरी मिर्ची और अदरक और टमाटर का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा गर्म पानी हो चुका है, मैं गर्म पानी में जो है गोभी को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लूंगी। आप चाहे तो इसको थोड़ा बॉईल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक का एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट जो है यहाँ पे बनके रेडी है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली और गैस फ्लेम को जो है ऑन कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 बड़ा चमचा करीब ऑयल चढ़ा लूंगी। अब ऑयल को जो है गर्म होने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोभी को भी वॉश कर लिया था और अभी मैंने जो है इसको पानी में भिगो के छोड़ दिया है, और यहाँ पे मैंने आलू को भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। जीरा ब्राउन होने के बाद साथ ही मैं डाल दूंगी आलू। अब आलू को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए जो है हम भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब जो है मैं गोभी इसमें ऐड कर दूंगी। गोभी को और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी गैस करके जो है इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं जो है एक बार चेक कर लेती हूँ और इसको एक बार फिर से चला लेती हूँ। तो अब जो है ना मैं यहाँ पे मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी पिसे हुए टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच करीब कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी बिल्कुल 1/4 काली मिर्च पाउडर, और अब 1 चुटकी हींग मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
अब इन मसालों को जो है धीमी गैस पे जो है हमें भूनना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में सारे मसाले ऐड कर दिए। अब जो है हम 5 मिनट के लिए जो है इसे ढक के रख देंगे धीमी गैस पे। तो यहाँ पे जब तक हमारी आलू गोभी की सब्जी तैयार हो रही है, जब तक जो है मैंने यहाँ पे लिए ब्लैक चने उबले हुए, इनको मैंने जो है पहले उबाल के रख लिया था, तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इधर मैं चढ़ाऊंगी 2 छोटे चम्मच करीब सरसों का तेल। तो यहाँ पे है ना, एक बार बीच में अपनी आलू गोभी की सब्जी भी चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो गोभी है वो पकने लग गई है। तो मैं एक बार फिर से इसको ढक देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मेरा टमाटर का जो पानी है वो बच गया था, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं फिर से जो है इसको ढक देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले इसमें जो है 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दूंगी। साथ ही मैं डाल दूंगी 2 कटी हुई हरी मिर्ची। अब मैं ऐड करूंगी 1 कटा हुआ टमाटर। हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, 1 चुटकी करीब हींग। अब जो इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। मसालों को जो है फ्रेंड धीमी गैस पे आपको भूनना है ताकि ये नीचे से चिपके ना और मसाला भी ना जले। देखिए हमारे मसाले जो है वो भून चुके हैं। अब जो हमने चने बॉईल करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब एक बार अच्छे से इनको जो है 1 से 2 मिनट के लिए जो मसालों के साथ हम भून लेंगे। तो अब मैं इधर ऐड करूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब फिर से इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इधर मैंने फ्लेम को जो है हाई कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्जी को भी चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू को जो तोड़ के देख लेती हूँ। ये देखिए हमारे जो आलू है वो अच्छे से पक चुके हैं। ये थोड़ा स्लिप हो रहा है, ये देखिए। तो अब जो है मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। चने भी रेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पे भी जो है गैस फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इन पे थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे काले चने रेडी है, वो भी बगैर लहसुन प्याज के। आप इनको जो है पूरी के साथ या पराठे के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी आलू गोभी की सब्जी भी तैयार है। मैं इस पे जो है गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देती हूँ और साथ ही में जो हमने चने बनाए थे वो भी तैयार हो चुके हैं। तो अब जो है हम पूरी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारी सब्जियाँ तो दोनों तैयार हो चुकी है। तो अब जो है हम बूंदी का रायता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 गिलास करीब छाछ। तो मैं सबसे पहले इसमें स्वाद अनुसार काला नमक डाल दूंगी। आप कोई भी अपनी पसंद का नमक इसमें डाल सकते हैं। और
थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और इधर मैंने बूंदी ली थी जिसको मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, इसको जो है मैं अच्छे से निचोड़ के इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं जो है ना जल्दी जल्दी जो है पूरी भी बना लेती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, मैं एक एक करके जो है सारी पूरियां बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी बगैर लहसुन प्याज की जो है थाली बनके रेडी है, और इतनी स्वादिष्ट थाली बनी है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। तो अगर आज आपको मेरी ये बगैर लहसुन प्याज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज फ्रेंड्स मेरी ये वेज थाली जरूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अब हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।